केंद्रीय फूड उपभोक्ता मामले ते ग्रामीण विकास राज मंत्री अते फतेहपुर तो लोक सभा मैंबर साध्वी निरंजन ज्योति अपने 3 दिन के दौरे ते जलंधर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जलंधर के वख-वख विधानसभा हलकों में जाके कार्यकर्ताओं नाल मुलाकात की। इस तो बाद उन्हें प्रेस वार्ता दौरान केंद्र सरकार वालों चलाई जा रही भलाई स्कीमों बारे जानकारी दी, जम के पंजाब की मौजूदा सरकार ते साबका सरकार उपर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों जो भी स्कीमों के पैसे पंजाब विच आउंदे हन वह सही तरह नाल विकास कार्यों च नहीं लग रहे, जिसकी रिपोर्ट केंद्र नूं दे दित्ती जाएगी। जलंधर तो अजीत वैब टीवी लई रणजीत सिंह सोढी की रिपोर्ट। वधेरे खबरों लई तुसीं देखते रहो अजीत वैब टीवी। आज मैं कार्यकर्ताओं के मध्य संवाद, कार्यकर्ताओं से मिलने के कारण आज मैं उस धरती पर आई हूँ। पंजाब की वो धरा जिस धरा ने त्याग और बलिदान का परिचायक प्रतीक है, जिस धरा ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने इस देश के लिए अपने चार चार पुत्रों का बलिदान दिया, तपती हुई रेत में दीवारों में चुनाया गया, ऐसी पावन धरती को प्रणाम करती हूँ। और मैं क्योंकि सरकार की दृष्टि से 2014 से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम में सेवा का कार्य कर रही हूँ। पंजाब में जब मैं सुबह आई तब से लेकर के अभी तक लाभार्थियों के बीच में भी मैं गई, बहुत सारे लोगों से मेरे को मिलना हुआ। भारत सरकार की एक योजना थी कि बड़े शहरों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके विकसित किया जाए और उनको सुंदर बनाया जाए। सबसे पहली मुझे बड़ी चिंता हुई और आप लोगों के द्वारा भी कुछ जानकारियां मिली कि जो स्मार्ट सिटी के नाम से जालंधर में पैसा आया था वो पैसा उस मद में लगा नहीं। अब मैं नहीं जानती कि वो पैसा कहाँ खर्च किया गया। इस विषय पर मैं ज़रूर सरकार के सामने विषय रखूंगी। भारत एक संघीय ढांचा है, इसमें राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार योजना बनाती है, धरातल पर लागू करना राज्य सरकार का काम है। मुझे कार्यकर्ताओं के द्वारा जानकारी मिली कि जिस तेज गति से गरीबों को शहरी आवास मिलना चाहिए, 1.5 करोड़ भारत सरकार देती है, 1.5 लाख और 1 लाख प्रदेश सरकार को देना होता है। प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया, उसके कारण अभी बहुत सारे गरीबों को 2011 की सूची के आधार पर मिलना चाहिए, अभी बहुत सारे लाभार्थी छूटे हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ग्रामीण में रहने वाले गरीबों के लिए आवास 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू की थी। उस योजना के तहत गांव में रहने वाले लोगों को बरसात में सर्दी में एक झोपड़ पट्टी में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनको पक्की छत देने के लिए भारत सरकार की तरफ से पंजाब के लिए बहुत सारा कुछ दिया गया। 2019 के पहले मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में थी, उस समय इस प्रदेश को 4 मेगा फूड पार्क दिए गए थे, बहुत सारी कोल्ड चेन दी गई थी और बहुत सारा काम दिया गया है। आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जिस सरकार के हाथ में बागडोर है
अभी ज़्यादा दिन चुनाव के नहीं हुए, 100 दिन ही हुए। 100 दिन के अंतराल में जनता आज भी शिकायत, अभी शिकायत करने लगी। अभी जो मेरे विभाग से गरीबों को मुफ्त में राशन देने का है, मुझे जानकारी मिली कि यहाँ की सरकार आटा बना के देना चाहती है। अरे आटा क्यों दे रहे हो भाई? उपभोक्ता अपन साफ सुथरा करेगा, घर में पिसाएगा या दलिया बनाएगा या कुछ करेगा, आटा पता है कि वो कैसा जाएगा, कहाँ से उठा के आप देंगे? भींगा हुआ है, गीला है, कीड़े पड़े हुए हैं। इस तरह की आम पार्टी, आम पार्टी जो है यहाँ, वो करने की सोच रही है। भारत सरकार का जो एक पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी हुई है, उसी के अनुसार कर सकते हैं, उन्हें देना है तो भारत सरकार जो दे रही है उससे हट करके दीजिए ना। आप भारत सरकार जो अन्न दे रही है उसी को आप आटा बना के देंगे तो ये तो अच्छा नहीं है ना। आपको देना है तो अलग से दीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार अलग से दे रही है तो गरीब को कम से कम 2 बार मिलेगा। आप उसी में अपनी राजनीति करेंगे तो मुझे लग रहा अच्छा नहीं है। 11% कट भी लगा दिया उसमें, ये तो अच्छी बात नहीं है। जहाँ मोदी जी एक पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, किसानों के प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं, उनके खातों में डायरेक्ट जा रहा है। 6,000 रुपया जाना है तो जाना है। इसी तरह से काम सारे पारदर्शिता से होने चाहिए। मैं जालंधर लोकसभा के बीच में आई हूँ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, लाभार्थियों से। अभी मैं लाभार्थियों से गाँव में भी मिलने जाऊंगी अगले राउंड में, कि जो केंद्र की योजनाएं हो धरातल पर लागू हो रही कि नहीं हो रही। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।